ओके ओके नमस्कार नमस्कार अब पहले से बता दो तो फिर मजा नहीं आएगा ना। मैं जरा अपनी टॉक पे चालू टॉक खोलू ये मजा मोस्ट वेलकम। तो मैं एंटायर स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। इसको कैसे बस इसको यहाँ से दबा दूँ? कहाँ से दबाऊँ? वो तो कर लिया, अब स्क्रीन आ गई ना। शेयर हो गई शेयर क्या? अब मैं वहाँ प्रेजेंटेशन मेरी ये खुली है, मैं चाह रहा था उस पे जाना। इसका सीधे स्लाइड शो कर दूं? उसमें तो नहीं जाना ना, वो जैसे पहले रखते थे। इज इट ओके? तो अभी मैं इसको वो मिनिमाइज करके वहां जाऊं कि थोड़ा शुरुआत कर दूं मैं? या ये एक बातचीत है जो थोड़ा सा जिसको बोलते हैं खिचड़ी टाइप है। खिचड़ी काफ़ी टेस्टी होती है, तो मैंने ये सोचा कि थोड़ा सा पहले मेरा आइडिया था कि सौंदर्य धरती का जगह जगह से उठा लूं। और मेरे मन में ये था कि बहुत सारे मित्र हैं मेरे 3,000 के ऊपर फेसबुक पे, मेरा जो भी मैं डालता हूँ वो शेयर करते हैं और मैं उनके वाला शेयर करता हूँ। तो मैं अपना और उनका उठा के इकट्ठे एक शो करना चाह रहा था। उसका टाइटल ये रखना चाह रहा था, रीशेयरिंग द शेयर्ड ब्यूटी। तो मुझे पता लगा उसमें शायद कोई अड़चन हो सकती है, कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, तो मैंने उसको छोड़ दिया फिलहाल। तो मैंने सिर्फ अपनी ही जो फोटोग्राफ्स हैं सेल्फ क्रिएटेड, मैं सिर्फ उनको इस्तेमाल कर रहा हूँ। जो फोकस है चंडीगढ़ पे है, हिमालय पे है, अंडमान पे है और थोड़ा सा ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया पे है। अंडमान और चंडीगढ़ का एक कॉमनैलिटी है कि दोनों यूनियन टेरिटरी हैं और दोनों काफ़ी सुंदर हैं। और ये एटलीस्ट ये माना जाता है कि दोनों बहुत सुंदर हैं और वो सुंदर हैं भी, पर जो बीमारी बाकी जगह है हमारे सभी गरीब देशों में जो होती है, वो गरीबी इसीलिए होते हैं क्योंकि वो अपनी अपने सौंदर्य को बना के नहीं रखते और इसको ठीक से संवार के नहीं रखते। तो एक शुरुआत क्यों मैं कर रहा हूँ मैं पहले ही बता दूँ। सौंदर्य अगर किसी चीज़ का, उसकी अगर वैल्यू आप किसी के माइंडसेट में डाल दें
कि ये बहुत सुंदर है, तो उसकी वैल्यू बढ़ती है और एक इच्छा होती है, इच्छा शक्ति जागृत होती है कि इस सौंदर्य को बना के रखें। इस सौंदर्य में ही हमारे देश की धन दौलत है, हमारे शहर की इज्जत है और शोहरत है और हमारा भविष्य है। तो ये एक बहुत आसान होता है उपदेश देना, पर उससे ज़्यादा मुश्किल होता है ये कि आप किसी का बंधन इतना बना दीजिए, जुड़ाव इतना कर दीजिए सौंदर्य के साथ में, लैंडस्केप हो, बिल्डिंग हो, आपका सेक्टर हो, आपका मोहल्ला हो, आपका अपना घर हो, ताकि आपको ये लगे कि इस सौंदर्य में ही मेरी मेरा जीवन की सुरक्षा है और इसी में मेरी एफ्लुएंस है। तो एक स्वार्थ हो जाएगा उसमें उसको बचा के रखने का। सेम फॉर हिमालयस, सेम फॉर चंडीगढ़, सेम फॉर अंडमान एंड सेम फॉर द एंटायर कंट्री एंड द एंटायर प्लैनेट। उसके लिए जैसे हम बोलते हैं कि देयर इज नो प्लैनेट बी, दिस इज द प्लैनेट वी हैव टू मैनेज एंड मेंटेन एंड लिव हियर। सेम फॉर दिस सिटी, जब चंडीगढ़ में घर है हमारा तो फिर चंडीगढ़ के ही हैं हम, तो घर को सुरक्षित रखें, घर की डिजास्टर मैनेजमेंट ठीक से करें, आजू बाजू की डिजास्टर मैनेजमेंट ठीक से करें और पूरे ये चंडीगढ़ अर्बन फेस्टिवल था जो 2 साल पहले हुआ था और 2 महीने बाद, 1.5 महीने बाद फिर होने वाला है। उस वक्त लेक क्योंकि सबसे सुंदर और पवित्र स्थान है चंडीगढ़ का, तो वहाँ सवेरे जो मॉर्निंग रागा का टाइम है जिसमें हमें सूर्य उदय से पहले वहाँ पे पहुँचना था, ठंडी का टाइम था, पर बहुत आनंद था। तो सबसे कहूँगा कि दोबारा बहुत मेहनत हो रही है चंडीगढ़ अर्बन फेस्टिवल की और 75th ईयर की सेलिब्रेशन पे और रोज फेस्टिवल की, तो सभी इसमें जुट जाएँ और फिर से आनंद लेंगे। और मेरी ड्यूटी जो है म्यूजियम्स की है, आपके रॉक गार्डन और यूनिवर्सिटी का म्यूजियम और का म्यूजियम, इन सब से जोर रहेगा। नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम जनता को दिखाना और उनको प्रेम करवाना एक बहुत ही जरूरी बात होती है एक शहर की स्मृति में और परिवार की स्मृति में और नागरिकों की स्मृति में। घोष साहब हैं जो यहाँ पे उधर राइट साइड में हैं और तबला वादक नौजवान जी का नाम मैं भूल गया, मैंने ऐसा मंत्रमुग्ध करने वाला दृश्य पहले नहीं देखा।
Arun, am I back there? Yes. चलो बहुत अच्छा हो गया, मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं वहां वापस जा पाऊंगा। तो मैं फुल स्क्रीन रख रहा हूं, तो आइए शुरू करें। हम जैसे मैंने कहा ये जाए चलेंगे, कुछ यादें मैं दुनिया की सौंदर्य की और वैज्ञानिक महत्व की आपके सामने रख रहा हूं। सोकर लेक लद्दाख, ट्रायसिक फॉसिल रीफ, जहां पे बाद में इस फोटोग्राफ के खींचने के बाद में एक डैम बना दिया गया और इसको तहस नहस कर दिया गया। ये सिर्फ किसी अनजान देश में, एक देश जहां पे भूविज्ञान की और पर्यावरण के ज्ञान की कदर ना हो, वहां पे होता है। तो हमारा देश वो नहीं है, तो पर हर कोई जो एक डिस्ट्रिक्ट में लाहौल स्पीति में है उसको ये ज्ञान होना चाहिए था, नहीं है। अभी भी आजकल भी पूरी सड़कों पे जो रॉक एक्सपोजर्स हैं, जिनमें मिनरल डिस्कवरीज होंगी, फॉसिल डिस्कवरीज होंगी और सारी एक्सप्लोरेशन होगी, उनको कंक्रीट से ढका जा रहा है। तो मैं सभी सरकारों से, सभी मीडिया कर्मियों से और सभी परिवार के सदस्यों से और नागरिकों से हाथ जोड़ के विनती करना चाहूँगा कि ये आपकी धरोहर है। अगर ये कवर हो गई तो ये हमारे जनरेशन्स इसको दोबारा नहीं देख पाएंगे। ये जो ये मॉस्को में इंटरनेशनल जियोलॉजिकल कांग्रेस में ये किताब रूपी एक सुविनय हमें मिला था 84 में, और ये भी वहीं का मॉस्को का सीन है, और ये मिनरल्स हमें पूना के मक्की साहब ने दिए। ये एक बड़ी मेमोरेबल विजिट थी करगिल वॉर के बाद में पेशावर की। हमारी एक इंटरनेशनल जियोलॉजिकल कोरिलेशन प्रोग्राम IGCP 421 की मीट थी, फील्ड मीट थी, जो खैबर पास से मियांवाली तक हमने पाकिस्तान में 2 महीने के बाद में करगिल वॉर के बाद में घूमा था। हम 2 हिंदुस्तानी थे, भार्गव साहब और मैं, और बड़े डरते डरते गए थे, पर कोई डर बटे नहीं। वो बंटवारा जो था बड़ा नकली था। तो और ये खड़दुंगला पास, जो हाईएस्ट मोटरेबल रोड है दुनिया में, उसका सुविनियर भारतीय फौज वहां पे खड़दुंगला पे सुविनियर कुछ बेचती है, ये वहां से लिया था। तो ये कुछ चीजें मैंने इकट्ठी की थी यादों के तौर पे, और मैंने सोचा कि क्योंकि मैं दुनिया के सौंदर्य की बात कर रहा हूं, तो आज ये दुनिया की कुछ यादें मैं साझा करूं। शुरुआत करते हैं हम चंडीगढ़ से, जो एक आधुनिक शहर है, जो क्योंकि हमारा लाहौर वहां रह गया, लाहौर तो हम नहीं ले पाए, यहां नहीं ला पाए। 1965 में कुछ लगा था कि ले लेंगे, पर नहीं, कुछ उम्मीद नहीं, और हम चाहते भी नहीं ऐसे लेना। हम चाहते हैं कि वो अपना लाहौर रखें, इस्लामाबाद रखें, और हम अपना शांति से रहें, और दोनों देश अमीर बने और पढ़ लिख जाएं। और 1956 चंडीगढ़, कॉर्बुज़े जेने और ड्रू एंड फ्राई, इन चारों ने मिलकर लिखी थी, और फोटोग्राफ्स जो हैं शाइडेगर के हैं इसके अंदर। ये जर्मन लोग हैं, कुछ फ्रेंच लोग हैं, और ये किताब स्विट्जरलैंड में छपी है, मेरे ख्याल से यूरोप में है, जर्मनी या स्विट्जरलैंड में छपी है। और आप ये देखिए, जिस शहर पे ऐसे किताबें छपे और जिस शहर के नक्शे को स्विट्जरलैंड के 20 फ्रैंक के करेंसी नोट में छापा जाए आज से 30 साल पहले, हमको समझना चाहिए कि इस शहर का क्या महत्व है दुनिया में, क्या रुतवा है इस शहर का दुनिया में। और हम लोगों को अगर ये एहसास हो तो फिर हमारे सभी अफसरान को और मीडिया कर्मियों को और नागरिकों को और नेताओं को ये समझना चाहिए कि चंडीगढ़, कहते हैं सिडनी वाले, कहते हैं कैनबरा वाले, कहते हैं कि कैनबरा और चंडीगढ़ दुनिया में 2 प्लैंड सिटीज हैं। ऑफ कोर्स इस्लामाबाद भी राइटली कैन क्लेम टू बी अ वेरी इस्लाम प्लैंड सिटी, मैंने देखी है तो ड्यूरिंग दैट पेशावर ट्रिप। तो
दो तीन चार होंगी, ऐसे ऐसे देश नहीं, ऐसे शहर नहीं है दुनिया में। क्या हो गया कि मध्य मार्ग के उधर तो चंडीगढ़ है जैसा बना था, मध्य मार्ग से आ जाइए 17 सेक्टर तक चल रहा है जैसे तैसे, पर 15 सेक्टर का कचरा हो रखा है। उधर यूनिवर्सिटी का यह हाल हो गया है कि पैसे नहीं और बरांडे धस रहे हैं, छतों के उससे ऊपर से गिर रहे हैं। आज से 15 साल पहले भी हमारी 25 सेक्टर की इमारतों के कंक्रीट ऊपर से नीचे गिर रहे थे। तो इस शहर को बचाना, इस शहर को मेंटेन करना, इस शहर को और बढ़िया बनाना, सेफ बनाना, ये सबका कर्तव्य है। और ये कुछ कड़वी बातें हैं, मैं बिल्कुल ईमानदारी से बोलूँगा, उसको छुपाने की कोई बात नहीं है। चंडीगढ़ ब्यूटीफुल हम मार्केट करते हैं, अंग्रेजी में जिसको बोलते हैं वी हैव बीन टॉमटॉमिंग चंडीगढ़ ब्यूटीफुल, चंडीगढ़ सिटी, स्मार्ट सिटी, एटसेट्रा एटसेट्रा। फ्रांस के राष्ट्रपति जी हिंदुस्तान आए तो वो सीधे चंडीगढ़ में उतरे, क्योंकि उनका चंडीगढ़ से लगाव है, क्योंकि कॉर्बुज़े फ्रेंच स्पीकिंग थे, हालांकि स्विस थे, बाद में शायद फ्रांस में सेटल हो गए। तो हर कोई, किसी को भी जो बड़ा आदमी होता है, हर कोई चाहता है उसको अपना बनाना। हमारे हम लोग सभी करते हैं ये, आस पड़ोस का भी हो तो कहते हैं हमारा पड़ोसी था, अगर बड़ी दूर का कज़न हो तब भी कहते हैं हमारा तो भाई था। तो ये चलता है, पर चंडीगढ़ क्योंकि इम्पॉर्टेंट है विदेशी देशी कारणों से, तो ये तस्वीर चंडीगढ़ 1956 की हम ना भूलें, और पूरा देश इसको याद रखे और इसमें गुमान करे और इस प्राइड ऑफ दिस कंट्री को बचाए। और ये जो जिसको बोलते हैं ए क्लेवर हाफ ट्रूथ है, ये कहना कि चंडीगढ़ ब्यूटीफुल, 17 सेक्टर के उस पार अगर चंडीगढ़ ब्यूटीफुल है, 17 सेक्टर में भी घूम के देख लीजिए, एक भी टॉयलेट ऐसा नहीं है जहाँ पे आप इज्जत के साथ, सेफ्टी के साथ, किसी बीमारी में, कभी इमरजेंसी में यूज कर सकें। ये क्या हमारे पूरे शहर में टॉयलेट्स का यही किस्सा है कि बदबूदार हैं और हाइजीनिक नहीं है, इवन अस्पतालों में, स्कूलों में, यूनिवर्सिटी में, हर तरफ ये वाली कल्चर, गंदे टॉयलेट वाली, स्टिंकिंग टॉयलेट्स वाली हमें हटानी होगी। ज्यूरिक में घूम के देखिए, आप किसी भी पब्लिक टॉयलेट में आराम से जा सकते हैं और उसको सेफली यूज कर सकते हैं। मैं रहा हूं वहां पे 2 साल, मैं जानता हूं कि ये मुश्किल है करना, पर अगर इतना सुंदर शहर है, ये मटका चौक की तस्वीर है, कहीं अवेलेबल थी तो मैंने लगा ली, आई होप इसका किसी का कॉपीराइट नहीं है, अगर हो तो मैं डिक्लेयर करता हूं कि ये मेरी नहीं है, क्योंकि पब्लिकली अवेलेबल थी, हर कोई इसको इस्तेमाल करता है चंडीगढ़ की खूबसूरती को दर्शाने के लिए, तो मैंने लगाई है। कोई एतराज होगा तो इसको हम हटा देंगे इससे। ये एक जो डिक्लेरेशन थी चंडीगढ़ की, चंडीगढ़ सिटी ऑफ पीस, लेट्स स्ट्राइव फॉर कम्युनिटी हार्मनी, कल्चरल डाइवर्सिटी, रिजेक्शन ऑफ वायलेंस, रिजोल्यूशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, रिकंसिलिएशन ऑफ डिफरेंसेस, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। बहुत बड़ी बड़ी बातें कही हैं, बड़े बड़े फिलोसोफर्स वाली बातें कही हैं, और हमें इस पे खरा उतरना है हर हाल में। और ये सौंदर्य, ये चंडीगढ़ का सुबह का सौंदर्य, चंडीगढ़ अर्बन फेस्टिवल के दौरान सुबह सुबह ये खींचा हुआ सौंदर्य, क्योंकि सूर्योदय से पहले जाना था और हमारे देखते देखते सूर्य देवता प्रकट हुए, और हल्की हल्की रोशनी में हमने काफ़ी फोटोग्राफी की थी। और अब भी उम्मीद रखते हैं कि शिल्पा जी और जैटका साहब ध्यान रखेंगे कि वो सब जो रौनक थी वो दोबारा होगी, घटेगी नहीं, उससे ऊपर होगी। ये कुछ वहाँ पे एक्सप्लेनेशंस हैं जो मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत सारे बच्चे आज ना भी जुड़े हों, उनके पेरेंट्स और टीचर्स ना भी जुड़े हों, क्योंकि इस बात की तसल्ली है कि ये बातचीत सोशल सब्सटेंस फेसबुक लाइव पे और कई सारे ग्रुप्स में शेयर्ड होगी, और जिसको जहाँ शेयर करना हो वेलकम टू शेयर। और मेरे यूट्यूब पेज पे अर्थ टॉक्स पे भी ये शेयर्ड होगी, और व्हाट्सएप पे वो सभी जगह लिंक हम घुमा देंगे जहाँ जहाँ घुमा सकेंगे। तो वो बच्चे फुर्सत से, अगर किसी के पास 5 मिनट है तो 5 मिनट लगाए, 10 मिनट तो, टुकड़ों में इसको देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
पर ये बातचीत में हाथ जोड़ के विनती करता हूँ बच्चों से, पेरेंट्स से, टीचर्स से, अगर इस शहर में रहते हो तो जानिए इसका इतिहास और जानिए इसका भविष्य और जानिए इसकी वैल्यू आपके लिए, आपकी इज्जत के लिए, आपकी आने वाली पीढ़ियों के लिए। अदरवाइज वो अगली पीढ़ी, हमारी तो अभी जो पीढ़ी है वही पूछ रही है हमसे कि भाई आपके यहाँ पे इतने बढ़िया शहर में ये साउथ ऑफ दक्षिण मार्ग तो बिल्कुल ही जिसको बोलते हैं झुग्गी झोंपड़ी वाला हाल हो गया है। जो फ्लैट्स बने हैं वहाँ पे गंदगी है और इतनी यहाँ पे पब्लिकली मैं बोलना नहीं चाह रहा, हालांकि हिंदी में टॉक है तो अपनी अंदर की बात है, कोई अंग्रेज नहीं समझ पाएगा मेरी हिंदी को, लिखी तो मैंने कुछ नहीं है। तो गंदगी को हटाएं और इसको सुंदर बनाएं, खाली कागजों में ना हम इसकी डिंगे हाँकें, चंडीगढ़ ब्यूटीफुल, चंडीगढ़ स्मार्ट सिटी, चंडीगढ़ इज ब्यूटीफुल ओनली एज आई सेड नॉर्थ ऑफ मध्य मार्ग, चंडीगढ़ इज नॉट इवन ब्यूटीफुल साउथ ऑफ मध्य मार्ग। जो 15 सेक्टर आपके सामने है, 16 सेक्टर थोड़ा ठीक है, 17 सेक्टर भी हमें लगता है, बाहर से आने वाले को लगता है जो कहीं और से आ रहा होगा पुराने शहर से कि अरे बड़ा बढ़िया बढ़िया बढ़िया, और अगर वो कहीं वहाँ के टॉयलेट में चला जाए तो उसको पता लग जाएगा कि कितना बढ़िया। तो हम लोग ये एक बहुत ही अद्भुत ये पार्क इनॉग्रेट हुआ था 2012 में। मैं यहाँ शिफ्ट हुआ हूँ रिटायरमेंट के बाद में, यूनिवर्सिटी की जो मैंने छोड़ी 2010 में आया हूँ अपने फ्लैट में 49 में, क्योंकि ये 49 में है, ये लाइफ साइज डायनासोर के ये एक कपल इधर है, एक कपल उधर में दक्षिण गेट पे है। इसका नाम उन्होंने रखा है वैली ऑफ एनिमल्स, बट ये मशहूर है एज डायनो पार्क। कोई ऐसा बच्चा नहीं, कोई ऐसा पेरेंट नहीं और ग्रैंड पेरेंट नहीं जिसके बच्चे उनको मजबूर ना कर दें कि जरा वहां पे घुमा के लाओ। हमारे बच्चे दो तो अमेरिका में हैं जब बहुत छोटे थे, वहां से आके भी उनके लिए ये बड़ी एक्साइटमेंट होती थी, हालांकि अमेरिका में बच्चों को क्या क्या देखने के लिए होता है, अगर वहां से आके बच्चों को यहाँ पे इस चीज की एक्साइटमेंट है तो आप समझ सकते हो कितनी अमूल्य धरोहर है ये, कितनी अमूल्य। और इसका ये दूसरा छोर, ये हमारा हर रोज का विजिटर कबीर आहलूवालिया, ये 2 साल पुरानी तस्वीर है, उस वक्त जरा सफाई थी, आजकल मैं तो इसको ले जाते डरता हूँ पर ये जाने से नहीं रुकता, इसकी मदर इसको लेके ही जाती है शाम को। तो ये डायनासोर्स का हाल आजकल बहुत खराब हो गया है, ये घायल हो गए हैं और इनके पाँव पे चोट लगी हुई है, इनकी टेल पे चोट लगी हुई है, इनको बेचारों को किसी ने पॉलिश नहीं किया है, इनको जिनको बोलते हैं ना डर्मेटोलॉजिकल इश्यूज हो गए हैं डायनासोर्स को। और मैंने इस पे भी एक छोटी वीडियो टॉक बना के अपलोड की है यहीं पे और बहुत ज़्यादा वो देखी जा रही है। मुद्दा शहर को बदनाम करने का नहीं था, बिकॉज शहर मेरा अपना है, मैं 1962 में आया था, 9th क्लास का स्टूडेंट था जब आया था और एक सरकारी स्कूल में पढ़ा था। मैं मित्रों मैं बातचीत हिंदी में कर रहा हूँ बिकॉज इंग्लिश में हम फिर कभी बोल लेंगे, बीच बीच में मैं इंग्लिश भी बोलूँगा। मेरा जो टारगेट ऑडियंस है वो सरकारी स्कूल के बच्चे, अध्यापक और उनके पेरेंट्स हैं, और वैसे ऐसा कोई है नहीं हमारे नॉर्थ इंडिया में, नॉर्थ ऑफ नागपुर, जो हिंदी ना समझता हो, और दक्षिण वाले भी काफ़ी हिंदी समझते हैं। तो हिंदी और इंग्लिश मुद्दा नहीं है, मुद्दा जो है भारतवर्ष है और उसका कुछ सौंदर्य है जो बिगड़ रहा है, जिसको बना के रखना है, बचा के रखना है, संवार के रखना है, जिसकी इज्जत करनी है, और इज्जत करनी है इस जनरेशन की खातिर, क्योंकि इस जनरेशन को ये चाहिए, ये डायनासोर इनका है, ये उनका नहीं है जिन्होंने बनाया था, ये टैक्स पेयर का उसका भी नहीं है जिसने टैक्स दिया था, ये वो आने वाली पीढ़ी है जिसकी अगली पीढ़ी इसका आनंद लेगी। तो ये इनके ये चमकते चेहरे, ये पोस्टर से वाटर इसी का है, छुटके का, ये अभी 6 साल का होगा जनवरी में, ये 5-6 महीने पुराना पोस्टर है इसका। मदद की होगी इसकी मदर ने, पर इसकी पूरी इन्वॉल्वमेंट है इसके अंदर और ये पूरा साइकिल समझा देता है, वाटर साइकिल भी समझाता है, और इसने एक अपनी
तरफ से एक आइसक्रीम साइकिल भी बना लिया है, वो मैं यहाँ पे बोलना नहीं चाहता। ये अभी यहाँ और सेक्टर 10 में हम जा नहीं पा रहे थे 2 साल से बिकॉज ऑफ कोविड रिस्ट्रिक्शंस। अब के 2-3 महीने पहले लगा के हालात ठीक हैं तो हमने उस दिन हिम्मत की और यहाँ पे गए, और कुछ दिन बाद दिवाली के टाइम पे ये यहाँ आया हुआ था। तो दिवाली के टाइम तो वो जो मेला ग्राउंड है बस स्टैंड के पीछे और मार्केट के बीच में, वहाँ पे डायनासोर रोबोट्स की नुमाइश लगी हुई थी। कुछ तो असली रोबोट थे, कुछ एक दो जैसे अपने होते हैं, अंदर में आदमी घुसा हुआ है पर बाहर में हरकत पूरी हो रही है, और बड़ा धाएँ धाएँ आवाज़ थी और म्यूज़िक था। 200 रुपये की टिकट थी, हम 4 जने गए थे इसकी भी, हाँ हमें 1000 रुपये की टिकट लेनी पड़ी। और ये भाई साहब बोले मैं तो नहीं निकलूँगा, मैं तो यही देखूँगा, बार बार देखूँगा। और जब निकल भी आया तो बोला मैंने तो दोबारा वापस जाना है, तो कुछ बहाना करके भाई अभी तो गया था, इसको दोबारा जाने तो टिकट खरीदने की मजबूरी ना हो। तो ये देखिए डायनासोर्स का म्यूजियम और डायनासोर का पार्क, ये एक्चुअली अगर ये हर पार्क में बन जाएं इस शहर के, इतने ही वैसे तो एक पार्क में बने थे बिल्कुल मोहाली चंडीगढ़ के बॉर्डर पे, जो दोनों शहर इसको इस्तेमाल कर सकते थे। ये एक माइंडसेट क्रिएट करेगा हमारी अवेयरनेस का और हमारी साइंटिफिक एक्साइटमेंट का, क्योंकि आजकल जब बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे थे तो यूट्यूब पे जितना डायनासोर का, जितना एनवायरनमेंट का, एस्टेरॉइड्स का, वोल्केनोस का, जितना मटेरियल अवेलेबल था वो हमने भी देखा और इसके साथ बैठ के देखा, और यूनिवर्स का और गैलेक्सीज का। और ये छोटा हमारा पिछले 2 साल में इतना कुछ सीख गया, सिर्फ एक नुकसान हो गया हमको कि ये हिंदी बोलना भूल गया तकरीबन, और आजकल हम बहुत मेहनत से इसको हिंदी सिखा रहे हैं, तो क्योंकि सब प्रोग्राम वो इंग्लिश में देख रहा था तो ये पटपट अंग्रेज़ी बोलता है, पर हमको दिक्कत होती है इसके वाली अंग्रेज़ी बोलने में। पर हिंदी बच्चों को सिखाना बहुत ज़रूरी है, जो हिंदुस्तान के बच्चे हैं उनको अंग्रेज़ी सिखाना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके बिना भी वो पिट जाएंगे। पर अगर हिंदी ना जानेंगे तो इस देश से जुड़े नहीं रह सकेंगे और अपने ग्रैंड पेरेंट से नहीं जुड़ पाएंगे। तो ये इस वक्त डायनासोर्स को देख के इसमें डायनासोर्स की आत्मा घुस गई है, और यहाँ पे इस वक्त ये डायनासोर्स की तरह जंप मार रहा था, वो मैंने वीडियो लगाया था पर मैं वीडियो यहाँ कुछ दिखा नहीं रहा। ये सारी की सारी डायनो गैलरी ये हमारे प्रोफेसर अशोक साहनी साहब की देन है। उनको बहुत पहले जनरल जैकब जो गवर्नर थे, वो उनकी आदत थी कि वो घूमते घूमते बहुत जगह जाया करते थे, और उन्होंने इनको कहा कि हम आपको म्यूजियम में जगह देते हैं। 30 लाख रुपया उस वक्त दिया था एंथ्रोपोलॉजी के प्रोफेसर जेसी शर्मा और हमारे प्रोफेसर अशोक साहनी को। सरकारें कहाँ किसी को कुछ दिया करती हैं बिना मांगे, बिना मांगे उनको दिया गया। आप समझ सकते हो उनका रुतबा और उनका स्टेटस। और उसके बाद में जो ये 49 के डायनासोर है, इसका भी सब आइडिया और सुपरविजन उन्हीं की है, अशोक साहनी साहब की। वो आजकल लखनऊ में है, वो भी बहुत खफा हैं कि इस म्यूज़ियम में अब लाइटें नहीं हैं, पुराने ज़माने की ट्यूब लाइट्स लगी हुई हैं, जबकि दुनिया भर के म्यूज़ियम्स में वो फोकस लाइट्स होती हैं। पर ये पर चांस मेरे इस फ़ोन के कैमरे से पिक्चर बहुत अच्छी आई है, जो साहनी साहब भी कहते हैं कि उन्होंने आज तक इतनी सुंदर तस्वीरें नहीं खींची। मैंने कहा साहब बाई चांस ये कैमरा अच्छा है। तो ये इस तरह की गैदरिंग बच्चों की यहाँ पे सैकड़ों हर रोज़ आया करते थे। मैंने चंडीगढ़ अर्बन फेस्टिवल में यहाँ पे वॉलंटरी ड्यूटी करी है, जब हम वी वर लकी के कोरोना शुरू होने से पहले ही हमारा CUF निपट गया, और अभी भी दुआ करते हैं कि वो ओमिक्रॉन जो है निपट जाए बिफोर आवर फेस्टिविटी स्टार्ट। सो ये एक संदेश है सबको कि डायनासोर्स एक बहुत बड़ा माध्यम है साइंस की जागरूकता फैलाने का, और इसको आप अपने बच्चों को ये एक्सपीरियंस, जिसको बोलते हैं एक्सपीरियंशियल लर्निंग इज अ रियल लर्निंग, जो एहसास से होती है, जो एक इमोशन से होती है, पढ़ाई लिखाई वो किताबी पढ़ाई से नहीं होती, वो चार दीवारी स्कूल से नहीं होती, म्यूजियम से बड़ा कोई पुस्तकालय नहीं, म्यूजियम से बड़ा कोई ग्रंथ नहीं, और म्यूजियम से बड़ी कोई यूनिवर्सिटी नहीं। ये तो बहुत पुरानी तस्वीर है, ये आरुषि 15 साल से ऊपर की है। ये
सिनसिनेटी से आए थे उस वक्त, और कितनी आप देख सकते हो एकाग्रता है डायनासोर के पांव में, कितना बड़ा जोड़ है बच्चों का डायनासोर के साथ। चंडीगढ़ शहर का आर्किटेक्चर, ये जो चंडीगढ़ साउथ का ये बिल्डिंग मैं आपको दिखा रहा हूँ, एक संदेश है इससे भी। हम इसको बिल्डिंग को हम बोलेंगे कि सी ग्रेड है, और बहुत पुअरली मेंटेन्ड है और बहुत पुअरली कंस्ट्रक्टेड है, थैंक्स टू द सिस्टम ऑफ इवेलुएशन एंड टेक्निकल ऑडिट। पर ग्रीनरी कवर्स अप ऑल द लैकुने, तो सबसे कहूंगा ग्रीनरी नेवर हार्म्स, इट ब्यूटिफाइज योर सराउंडिंग, इट गिव्स यू एस्थेटिक प्लेजर, यह आपका डिप्रेशन दूर करती है, आपको मजा दिलवाती है, आपको ऑक्सीजन देती है, आपका कुछ भी नुकसान नहीं करती है। और जहां भी हो सके गमलों में लगाइए, टेरेस पे लगाइए, नीचे लगाइए, दाएं बाएं जो ग्रीन पैच मिले वहां कुछ जरूर लगाइए। वो जो हुआ हमारे शहर में 8 साल पहले के लोग आए, लगे हुए बुगनविला और बड़े बड़े अच्छे फ्लावर्स को उखाड़ा और पेवर ब्लॉक लगाए, उसको बाद में वो गैस वाले आए, उन्होंने उखाड़ दिया, तोड़ के मलबा फेंक गए। फिर वो दूसरे आए, वो एक टेलीकॉम वाले, किसी का नाम लेना खतरनाक है, बड़े आदमी हैं, तो वो भी उखाड़ के फेंक गए। आज की तारीख में इस आधुनिक स्मार्ट सिटी में हर फुटपाथ पे पेवर ब्लॉक्स का मलबा है, एक सॉलिड वेस्ट का जिसको बोलते हैं जुलूस निकला हुआ है, कोई उठाने वाला नहीं, कोई दोबारा लगाने वाला नहीं, और घास जब नहीं काटते तो उन पेवर ब्लॉक से नीचे से घास भी उगाती है, और जो हरे भरे फुटपाथ थे फूलों से भरे हुए घास के साथ वाले, उनको उखाड़ना ठीक नहीं था। और अपील है हर शहर को, भारत सरकार को, राज्य सरकारों को, हरियाली से दुश्मनी ना करिए, फजूल के पेवर ब्लॉक्स ना लगाइए, और हर किसी से अपील है कार बेकार है, साइकिल पे चलिए, पैदल चलिए, छोटे छोटे शहरों में फजूल की कारें ना खरीदिए। हमारे यहाँ पे भी, ये हमारी पंजाब यूनिवर्सिटी की सोसाइटी है, जिन लोगों के पास वो 3 कनाल के बंगले में एक कार थी, उन्होंने यहाँ पे आके 3+ हाफ बेडरूम वाले फ्लैट में 3-4 कारें खरीद रखी हैं। सड़कों पे वो पीछे में एक कार खड़ी है, सड़कों पे कारें खड़ी हैं, फायर ब्रिगेड को क्लीन पैसेज नहीं है। अभी 49 सेक्टर की मार्केट में आग लगी थी 2 महीने पहले ही, तो वहाँ तो फायर ब्रिगेड आ गई, भगवान ना करे यहाँ कभी आग लगे, क्योंकि फायर ब्रिगेड घुस नहीं सकती, घुस जाए तो चल नहीं सकती। करवदे साहब को सलाम, बहुत बहुत गजब का शहर बनाया उन्होंने, तो ये जो दे गए हम लोगों को, इसको हम अपना एक किस्मत समझें, जो लोग यहाँ रहते हैं अपनी किस्मत समझें, और हर रोज़ इस भावना से उठें कि इस शहर में आज मैं जो भी अच्छा कर सकूँगा, हरियाली बढ़ा सकूँगा, थोड़ा पैदल चल सकूँगा, थोड़ा साइकिल चला सकूँगा, इस सौंदर्य की सुरक्षा करूँगा। ये सौंदर्य ये चंडीगढ़ का बर्थडे हम हर रोज़ मनाएं, ये एक दिन का डिक्लेयर कर दिया सब हमारा सो कॉल्ड स्मार्ट सिटी, सो कॉल्ड सिटी ब्यूटिफुल, जबकि 3/4 जो है उसका हाल बड़ा बुरा है। तो इसको सुंदर शहर को सुंदर ही रहने दें, जैसा ये तब था जब मैं यहाँ पे 12 साल का बच्चा था और पटियाला से आया था। पटियाला से आके तो एक बच्चे को चंडीगढ़ ऐसा लगता था जैसे वो लंदन पहुँच गया हो, और सिर्फ वो 23 सेक्टर के गोलगप्पे जो थे वो लंदन में नहीं मिलते, वो उस वक्त एक आने के 4 मिलते थे, 1 रुपये में बादशाहों की तरह एक बच्चा उस वक्त चंडीगढ़ में पूरे 16 दिन गोलगप्पे खा सकता था। और मेरी छोटी बहन तो 2 पैसे के एक दिन खाती थी, तो उसने तो पूरे 32 दिन खाए थे। तो ये अंडमान पहुंच गए हम लोग। अंडमान का हर जगह पे सूर्यास्त जो है, हर जगह पे सनसेट पॉइंट करके बहुत ही मशहूर है, और गजब है जिसको बोलते हैं, मतलब लगता नहीं कि इतने सारे सुंदर आइलैंड अगर किसी थोड़े समझदार जनता के पास होते, समझदार नेताओं के पास होते, तो उसकी ये दुर्दशा होती। मैं आपको एक बोर्ड दिखाऊंगा, उसे पता लग जाएगा, अदरवाइज वहाँ जब पहुँचिए तो लगता नहीं कि ये हमारा देश है, क्योंकि वी आर यूज्ड टू फिल्थ। वहाँ अंडमान पहुँच के लगा अरे भारतवर्ष सारा ऐसा हो सकता है।
ये इतने सारे आइलैंड हमारे हैं, हमें बहुत अच्छा लगा कि वो जापानियों ने एक बार तो यहाँ पे घुसपैठ कर ली थी, जो भी हो नेताजी ने पिटाई करी, जिसने करी, वक्त ने पिटाई करी, उनकी कंबख्त चले गए। तो आज क्या है, इतनी बड़ी धरोहर है हमारी, ये इतनी बड़ी जियो हेरिटेज, इको हेरिटेज है, जिससे हमारा पूरा देश पल सकता है, इससे और हिमालय से पूरा देश यूरोप की, अमेरिका की, चाइना की टक्कर कर सकता है। सौंदर्य ही दौलत है, सौंदर्य ही धरोहर है, इसीलिए मैं आज रैंडम ब्यूटीज ऑफ द अर्थ पे बात कर रहा हूँ। इस सौंदर्य से ये देखिए, ओशन रीफ, वाटर स्पोर्ट्स, कैसा घटिया बोर्ड लगा के ये बैठे हैं, थोड़े हमारे जैसे आम शहरों में होता है वैसे, ये देख के लगता अरे अरे ये तो अपना ही देश है। तो बड़े महंगे हैं सारा कुछ, ग्लास बोर्ड पूरा नीचे में शीशा लगा है, और वो मास्क और पता नहीं क्या क्या, हमको बड़े मुश्किल से उस बोट में चढ़े, पर नेवरदलेस इट वाज आई वुड से द बेस्ट ट्रिप ऑफ माय लाइफ इन अंडमान। आई बीन टू ग्रेट बैरियर रीफ, ठीक है वो ऑस्ट्रेलिया है, वो अलग बात है। आई बीन टू ग्रैंड कैनियन, आई बीन टू नायग्रा गॉर्ज, आई ट्रेवल्ड ऑलमोस्ट ऑल ओवर यूरोप। तो जो अंडमान में बात है वो इस देश में और कहीं नहीं है। तो ये हमारी सबसे सबसे अमूल्य अमूल्य बहुत ही अमूल्य परम अमूल्य धरोहर है, इसको बचाएं, इसको मरने न दें। ये देखिए, ये कोरल रीफ्स अंडमान आइलैंड्स में, एक्चुअली बहुत सारे कोरल रीफ्स हमारे उस सुनामी में टूट गए। रॉस आइलैंड में तो बहुत बड़ा नुकसान हुआ, इवन जो जापानीज बंकर वहां पे जो उनके रेमिनेंट्स पड़े हुए थे वो भी टूट गए। तो ये थोड़ी सी फटाफट में, क्योंकि मैंने बातचीत ज्यादा कर दी, तो ये अंडमान आइलैंड का आपको थोड़ा दृश्य दिखा लो। ये देखिए, ये वो टूटे हुए कोरल्स, कोरल रीफ्स हैं, जो सुबेरे सुबेरे ऐसे तिरछी धूप पड़ती है। ये हमारे होटल के पीछे था, और मेरा ये रूटीन था कि सुबेरे सुबेरे निकलूं कैमरास के साथ और कुर्ते पजामे में, चप्पल में, बीच में तो चप्पल में ही जाना सेफ रहता है, क्योंकि कभी आप चप्पल हाथ में उठा के पैदल भी चल सकते हो, फिर चप्पल को धो के, पाँव को धो के डाल लो जहाँ पे ज़रूरत हो, जूते में अगर घुस जाए सब दलदल तो मुश्किल पड़ती है। तो अंडमान का दृश्य जिसने नहीं देखा हो जरूर जाए, मेरा दोबारा जाने का मन है, पक्का मौका आएगा तो जाऊँगा। अब आइए हिमालय पे। ये हिमालय, ये लाहौल का है, आप मनाली से चलते रोहतांग से नीचे उतरते हैं, वो जो सिस्सू वाला जो टनल बना है, अब तो वहां से निकलेंगे, रोहतांग चढ़ने की जरूरत नहीं है, जो अटल टनल है वहां, उसके आगे में केलांग से आगे एक जगह है डारचा। डारचा से पहले ये जो आप देख रहे हैं, ये इतना बड़ा लैंडस्लाइड है कि ऊपर से आया 1919 से 18 में, और पूरा गांव इसके नीचे दब गया। अभी भी उस गांव के इसमें भांडे चूड़ियां कुछ ना कुछ मिलता रहता है, पूरा गांव मर गया। ये चट्टाने, ये जो आता है, ये लैंडस्लाइड्स, आजकल भी हम लैंडस्लाइड्स के किस्से सुनते हैं, ये लैंडस्लाइड जब आता है, इसको ये एकदम नहीं आता है, इसके आने से पहले बहुत कुछ होता है जो वैज्ञानिक समझ सकते हैं, सेटेलाइट से जांचा जा सकता है। जरूरत है कि भूविज्ञान बहुत ज्यादा लोग पढ़े इस देश में, और बहुत ज्यादा को जागरूक किया जाए, क्योंकि अगर आपके पास डाटा है, कोई एनालाइज करने वाला नहीं है, देखने वाला नहीं है, तो इट्स एज गुड एज नॉट हैविंग एनी डाटा। सो दिस इज वन, एंड दैट्स द अपर स्पीति वैली। एक फोटोग्राफ में यहां से लेके यहां तक ये ऊपर ट्रायसिक रॉक्स हैं, और बच्चे पूछते हैं वहाँ के ट्रायसिक में डायनासोर क्यों नहीं मिलते जी, तो ये बेटे ये ट्रायसिक मैरीन रॉक्स हैं, इसमें डायनासोर नहीं मिल सकता। तो ये इसको, ये भी कलरफुल ऑल्टरनेशन हैं, उतना कलरफुल नहीं है जितना ग्रैंड कैनियन है, वहाँ पे तो इसको वो रेनबो इन स्टोन बोलते हैं। हम भी कह सकते हैं कि ये इतिहास के पन्ने हैं जो अपर स्पीति वैली में बहुत ही सुंदर रूप से दिखते हैं। कोई घास नहीं, कोई मिट्टी नहीं, कोई ऐसा नहीं कि, पर ये जो स्क्री स्लोप पड़े हैं ना, ये मलबा पड़ा है, जो इस पे चढ़ते हुए हाई ऑल्टीट्यूड में यहाँ तक पहुँचते हुए सुबह की शाम हो जाती है, कलेजा मुंह को आने लगता है, खुश्की हो जाती है,
पर यहाँ पे 1977 से टिल 2009 माय लास्ट ईयर ऑफ रिटायरमेंट ऑफिशियली इन द यूनिवर्सिटी बिफोर माय रीएम्प्लॉयमेंट आई हैव बीन गोइंग देयर फर्स्ट एज जियोलॉजिस्ट ऑफ जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एंड लेटर एज पंजाब यूनिवर्सिटी टीचर सो तगलंगला 17,500 मनाली ले रोड हमारा एक ड्राइवर है मान सिंह था अब रिटायर हो चुका वो मेरे स्कूल में मेरा स्कूलमेट था इस सेक्टर में वो और उस वक्त वो गया था मेरे साथ यहाँ पे और उसको खून की उल्टियाँ लगने लगी थी जर्मन्स थे नैनीताल वाले थे साथ में वो जर्मन प्रोफेसर ने बोला कि मेरा टीवी क्रू उनका ZDF का टीवी क्रू आया हुआ था वो भी बीमार है आप इसको ले जाओ नहीं तो हो सकता है कुछ गड़बड़ हो जाए आधी रात को आई वाज द ओल्डेस्ट मेंबर ऑफ द पार्टी क्योंकि जिम्मेदारी मेरी थी आधी रात को ले पहुंचा मैं और उसको लेके वहां पे लेके अस्पताल में ये ले से खड़दुंगला की तरफ ये जो रोड जाती है दिस इज द हाईएस्ट रोड ऑफ द वर्ल्ड ये डोरजे डॉक्टर डोरजे खड़े हैं इसमें ये हमारे पंजाब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं लेह में इनकी जो टूरिज्म इको टूरिज्म की एजेंसी है आप देखिए एक जियोलॉजिस्ट पंजाब यूनिवर्सिटी का जियोलॉजिस्ट और PhD और ये है इसको बोलते हैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड दिस इज जिसको बोलते हैं एक इंडिपेंडेंट स्टार्टअप ये एक संदेश है हर किसी के लिए कि देश के सौंदर्य को भुनाइए बचाइए संवारिए और इसको अपनी जीवनी का एक वो बनाइए मीडियम बनाइए इसी को सस्टेन करिए इसी से सस्टेन होइए ये एक संदेश है सौंदर्य ही आपकी एफ्लुएंस है सौंदर्य ही इस लैंडस्केप की ताकत है आपकी ताकत है इसकी स्वच्छता ही आपका स्वार्थ है स्वच्छ नहीं तो बीमारी स्वच्छ नहीं तो इज्जत का कचरा बढ़िया लैंडस्केप है लोग बोले लैंडस्केप तो बहुत अच्छा है पर क्या करें नदियां गंदी हैं सड़कें गंदी हैं पार्क्स में फिल्थ है बहुत छोटी सी चीज है ये इसको उठाना एकदम से 2-4 साल से मैं देख रहा हूं जब म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के लोग सवेरे सफाई करते थे बड़े दिल से सफाई करते हैं एक एक पॉलिथीन जो कुछ बेवकूफ लोग गिरा जाते हैं आजकल थोड़े कम गिराने लगे हैं तो सुधार होता है ये ना कहिए कि नहीं नहीं हमारे यहाँ सुधार नहीं हो सकता है हम बड़े एक पावरफुल देश हैं न्यूक्लियर पावर है स्पेस पावर है IT जॉइंट है एक मिलिट्री पावर है इकोनॉमिक पावर बन रहे हैं तो ये छोटी सी चीज के चक्कर में हम लोग काहे को कचरे में पड़ेंगे तो हर हालत में हम लोगों को ये संदेश देना है और हर हालत में आने वाली पीढ़ी को आज की पीढ़ी को हर जनरेशन को हमें अपने साथ लेना है और जो जो सुन रहे हैं प्लीज इसको आगे बढ़ाएं और ये लिंक जो हम आपके लिए डालेंगे 2-4 जगह जहां भी डालेंगे आप इनको जहां मर्जी डालिए हम कोई कॉपीराइट की कोई बात नहीं करते इसको जैसे मर्जी जितना मर्जी काट के टुकड़ों में बांटिए स्कूल में बच्चों को दीजिए आजकल हर बच्चे के पास स्मार्टफोन है हर बच्चा इसको देख सकता है पूरे परिवार को दिखा सकता है ये संदेश बहुत जरूरी है बिकॉज नौकरी करने की क्या जरूरत है जब आप खुद इतने सुंदर लैंडस्केप से उधर खड़दुंगला और ये कुंजमला 15,500 फीट की ये गेट वे टू स्पीति वैली आप देखो तो क्या सुंदर है ये देखो यहाँ बड़ा सफाई है क्योंकि यहाँ पे वो जो जिसको बोलते हैं ना सबसे बेवकूफ जानवर जो इस धरती पे है वो जरा कम है सबसे बेवकूफ जानवर आप समझ रहे हैं ना वो हमारे वाले ही हैं जितने हैं तो ये देखिए क्या सुंदर है कहीं पे आपको दिखती कोई प्लास्टिक की बोतल बिखरी हुई जो मिनरल वाटर पी लिया घटिया बेकार में वैसे तो काहे को पिया स्टील की बोतल में या कांच की बोतल में या बढ़िया प्लास्टिक की बोतल में डाल के ले जाइए अपना पानी पीजिए या किसी चश्मे से भरिए और पीजिए और वो गंदा पानी महंगा पानी पी के बोतलें फेंकिए पूरी दुनिया का कचरा करिए क्या फायदा ये जो इसकी बड़ी एक इतिहास है 1969 या 1968 में यहाँ हमारा एक प्लेन क्रैश हुआ था और एक दो और भी सुने मैंने किस्से जिसमें उस जवान की बॉडी से कार्ड मिला और उसका पता लगा तो उस वक्त जब उसकी मौत हुई थी तो वो 28 साल का था और जब ये उसकी बॉडी मिली है उसका उसका बेटा ही 58 साल का हो चुका था उसने उस बॉडी की क्रीमेशन करी
ये एक ऐसी जगह है जब इस ग्लेशियर को देखते हैं तो हमारा सिर झुकता है उन शहीदों के प्रति जो बेचारे देश की सेवा करते यहाँ पे गिर गए, दब गए और किसी को खबर तक न हुई कि कौन कहाँ दब गया। एक बार सोचें, ये हमारे परिवार का भी कोई हो सकता था। इनफैक्ट इनसे बड़ा हमारे परिवार का सदस्य कोई होगा नहीं। ये सब जो ऐसे कहीं पे शहीद होते हैं, ये हमारे सब परिवार के रक्षक हैं और हमारे परिवार वाले ही लोग हैं। ये सौंदर्य, ये प्रार्थना के झंडे, ये सौंदर्य, ये फेस्टिवल के झंडे, ये कितना कुछ कहते हैं, कितने अट्रैक्टिव हैं। ये वो जो हमारे शहरों में वो महंगे महंगे वो प्लास्टिक के पोस्टर लगाते हैं, जो यहाँ पे एक लगाता है फिर दूसरा लगाता है, वो फाड़ गया, ये फाड़ गया। वक्त आ गया है कि हम ये कचरा बंद करें। तस्वीरें फजूल में लगाना, फिर हटाना, फिर लगाना, करोड़ों रुपया फूकना, सब तरफ बंद करें, सब कुछ डिजिटल कर लें। सब कुछ तो डिजिटल हो जाता है। जब आजकल हम इवन अपनी गाजर टमाटर का पेमेंट अगर हम डिजिटल कर सकते हैं, बातचीत हम डिजिटल, अगर पढ़ाई हम डिजिटल कर सकते हैं, अब हम ये बातचीत जो कर रहे हैं ये डिजिटल कर रहे हैं, तो बाकी का क्या रह गया करने को। ये देखिए, ताबो मोनेस्ट्री 1000 से कुछ 20 से एक साल ज्यादा ओल्ड है। ये खुद ही बड़ी धरोहर है। ये इट्स ए हेरिटेज बिल्डिंग, जो ये मोनेस्ट्री है, ये यहाँ पे ये वाली ये बिल्डिंग बड़ी भारी कैंपस है मोनेस्ट्री का। और इसके अंदर जो पेंटिंग्स हैं उनको आर्कियोलॉजिकल सर्वे ने, उन्होंने सभी ने उसको रीडू किया है, रिसरेक्ट किया है। और इसी के बिल्कुल बाजू में एक लोकेलिटी है जहाँ बीरबल सानी साहब ने प्लांट फॉसिल्स डिस्कवर किए थे 1938 में। 1938 में वो गए थे वहाँ पे। देख, इमेजिन करिए, दम देखिए उस आदमी का। उनके पिताजी लाहौर में थे, रुचिराम सानी के बेटे थे वो। वो नेहरू जी के क्लासमेट थे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में। आपको मालूम है नेहरू जी और बीरबल सानी जी दोनों के पास जियोलॉजी एक कोर्स था उनके बीएससी में कैम्ब्रिज में। सूरजताल, ये मनाली ले रोड पे है। ये सब तस्वीरें मेरी हैं क्योंकि मैं, मेरे पास एक के बाद एक कैमरे रहे। आजकल तो जो फोन वाला कैमरा है इसकी टक्कर नहीं तो सब कैमरे बेकार हो गए, बट ये उस जमाने की तस्वीरें हैं जब हम जो कैमरा मिल जाता था करते। अभी फाइनली हमने पिक्चर्स को सॉर्ट आउट किया। ये एक तस्वीर है सिर्फ जो मैंने लगाई है, मैंने कोई टेक्निकल जार्गन रखा नहीं इसके अंदर, इसके बारे में भी मैं कुछ बता नहीं रहा हूँ। ये जो नक्शा है ये जियोलॉजिकल मैप है हिमाचल का। इसको लोग बोलते हैं ये स्विट्जरलैंड है हिंदुस्तान का। अरे स्विट्जरलैंड क्या चीज़ है, स्विट्जरलैंड से बढ़िया ये। बिकॉज हमारे जो पासिस हैं दे आर मच हायर देन द हाईएस्ट पीक ऑफ यूरोप। And height is the excitement. Height has the value. And height को ही, height का ही तो सारा मामला है। अगर height पे लोग ना मरते तो Mount Everest में इतने सारे लोग क्यों आके मरते? So let's realize that हमारा सौंदर्य, हमारा जो excitement value है उसका number बहुत high है। सिर्फ रह गया इतना सा कि हम अपना landscape का सौंदर्य कहीं पे भी बिगड़ने ना दें, किसी बीच को गंदा ना होने दें, किसी नदिया को गंदा ना होने दें, किसी झील को का हम बटा ना बिठाएं, और कुछ ना कुछ कर लें ताकि हमारे टूरिज्म, श्रीलंका हमसे आगे है टूरिज्म में, कई मामलों में बांग्लादेश आगे निकल रहा है। आप पाकिस्तान जाइए, हम जितना मर्जी कोस लें उनको, पाकिस्तान कई मामलों में हमसे आगे निकला हुआ था जब हमने देखा वहाँ पे, क्योंकि हमारे यहाँ उतना खुला नहीं था उस वक्त पे। 99 में गए थे हम, तो उधर तो जापान वाले भी आके साथ में काम करे, इटली वाले भी, कैनेडियंस भी, यूएसए वाले भी, जो भी साइंटिफिक कोलैबोरेशन थी बड़ी स्ट्रांग थी। तो ये वाला मसला जो है आजकल नहीं रहा, बट हम थोड़ा कई मामलों में पीछे हैं, तो हमें ज़रा तेज भागने की ज़रूरत है। ये देखिए, एक पत्थर इतना बड़ा ब्लॉक किसी फ्लैश फ्लड में आया, पूरी पार्वती रिवर को उसने ब्रिज कर दिया। नीचे से पानी जा रहा है और इसमें पत्थर पुत्थर लगा के लोग इसी से इसका नाम रख दिया उन्होंने, पांडव पुल। ये हमारे देश में बड़ा फर्स्ट क्लास है। जहाँ भी जाइए वहाँ पे कहेंगे साहब यहाँ से पांडव गए थे, और यहाँ कुछ ना कुछ एक जिसको बोलते हैं मैथोलॉजिकल स्टोरी होती है।
तो माइथोलॉजिकल स्टोरीज पे साइंटिस्ट को कमेंट नहीं करना चाहिए, बिकॉज वो आस्था का विषय है, और हम भी जब बच्चे थे तो हमने भी उस आस्था को माना है। आज भी हम अपने पेरेंट्स को या ग्रैंड पेरेंट्स को उस मामले में टोकते नहीं, उनकी आस्था को तोड़ते नहीं। हम साइंटिफिकली अगर अंडरस्टैंड करते हैं तो हमें वो साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग भी कुछ मामलों में अपने पास ही रखनी चाहिए, और दंगा फसाद नहीं करवाना चाहिए, किसी भावना को ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए। ये देखिए क्या शुद्धि है, पिन पार्वती रिवर से इधर में ये देखिए ये झील, क्या 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 पानी है। तो ऐसा ही तो था प्रिस्टीन ब्यूटी हमारे पानियों की। वो गुरु नानक देव जी ने कितनी बड़ी बात कही थी, पानी पिता। तो सौंदर्य कहाँ का, सौंदर्य इस देश का कहाँ होता है? पानी से होता है, हवा से होता है, मिट्टी की शुद्धि से होता है, और वेजिटेशन की शुद्धि से होता है। पत्ते जलाएंगे तो बेवकूफी करेंगे, पानी को पोल्यूट करेंगे तो क्या करेंगे, अपना कचरा करेंगे। मिट्टी में कुछ भी डालेंगे फजूल का तो भी अपना कचरा करेंगे। तो पानी, गुरु नानक देव की थिंकिंग आज भी वैलिड है। हम किसी धर्म की बात नहीं कर रहे हैं, हम एक बड़े विद्वान की बात कर रहे हैं जिसने वो बात कही जो आज लोग कहते हैं और कहते हैं वो वेस्टर्न कंट्री, वो एल्गोर ने ये बोला, उसने बोला, वो बोला। हम किसी सभ्यता को नीचा नहीं कह रहे हैं, पर ये तो मानिए कि हमारी सभ्यता में पर्यावरण की बहुत बड़ी इज्जत थी। शांति पाठ जो हमारे घर में हर पर्व पे होता है, वो शांति पाठ पर्यावरण का ही तो शांति पाठ है, सारा का सारा पूरे ब्रह्मांड की शांति का पाठ है वो। अभी उसमें जोड़ लीजिए एक थोड़ा सा और ओजोन की शांति और कोरोना की शांति, दो ही तो जोड़ने के रह गए। तो ये दृश्य जो उस पास का पिन पार्वती पास का, ये चंद्रताल, यहां भी वही दृश्य है जो अपर स्पीति वैली में है। वो व्हाइट वाला आपने देखा था ना जो पत्थर, ये रहा वो। और ये पूरा ऊपर में टॉप में ट्रायसिक है और नीचे में कैम्ब्रियन रॉक्स है, तो उसके ऊपर में मीसोजोइक रॉक्स हैं, पर डायनासोर्स यहाँ पे नहीं है। ये झील जो है, ये दुनिया में चंद्रताल जो है, सोमोरीरी लेक लद्दाख, इसका चक्कर पूरा मारने में दो हफ्ते लगते हैं। एक शॉट में पूरी झील की फोटो नहीं आती, ड्रोन होना चाहिए आजकल जियोलॉजिस्ट के पास, कैमरे से नहीं अपने आ रहा तो ड्रोन उड़ाओ तो फोटो खींच लो। आई थिंक ये भविष्य का एक टूल रहना, एक हर फील्ड वर्कर के पास में ड्रोन होगा, वो ड्रोन को इस्तेमाल करेगा। तो काश के मेरे पास होता। ये तो बड़ा ऊपर चढ़ के ली थी मैंने फोटो नैनीताल की झील की। तो ये कितना सुंदर है नैनीताल शहर पर, सारा शहर का मलवा मलमूत्र इसमें झील में आ रहा है जहाँ से पानी पीना होता है। कितनी बड़ी बेवकूफी है। और देखिए सवेरे सवेरे गया तो देखा ये बेचारा किसी, इसने क्या, मैंने कहा ये क्या कर रहा है भाई, कजी लकड़ी जला दी उसने, खाना पका रहा है, काय को लकड़ी जला के खाना पका रहा है यार। तो ये भी सॉरी वो सीक्वेंस बिगड़ गई थोड़ी सी, मैं नैनीताल सिद्धे पहुंच गया। ये लद्दाख का ही था, यू नाम सो एक पेलियो लेक है जहाँ पे पानी तकरीबन चला गया, और जो भी ये पीली मिट्टी आपको दिख रही है ये झील की मिट्टी है, और ये भी उसी के वार्फ्स होते हैं जो सीजनल लेयर्स जो आता है मोटा पतला कपलेट्स में आता है। सोकर लेक, इसका जो सॉल्ट है ये पोटेशियम क्लोराइड है। वहाँ के लोग जानते हैं कि ये अगर किसी को ब्लड प्रेशर है तो ये वाला सॉल्ट खाने का है। सौंदर्य देखिए आप, सौंदर्य देखिए इसका। इसमें अगर आप थोड़ा सा सीजन से पहले पहुंच गए तो आप अंदर धस जाएंगे। मार्शी लैंड है और बहुत दो ही महीने होते हैं लिमिटेड। तीन बार गया हूं मैं यहाँ पे, एक बार तो हमारी कोई कोलैबोरेशन थी जर्मन्स के साथ और नैनीताल यूनिवर्सिटी के साथ, और ड्रिलिंग थी करने की, क्लाइमेट चेंज का वो एक रिसर्च का टॉपिक था। तो ये स्पीति वैली क्योटो विलेज है एक, जहाँ पे बड़ा भारी ब्लॉक हुआ था, और ये जितनी पीली मिट्टी है ये भी एक पेलियो लेक पुराने जमाने की झील है, जिसमें हर लेयर में उस जमाने के क्लाइमेट चेंज का एक वो अवशेष है, एक इंडिकेटर है जो हम बता सकते हैं। ये स्पीति का यंगेस्ट रॉक स्पीति वैली की चिच्चम विलेज में, ये चिच्चम ऐसे सिंक्लाइनल एक स्ट्रक्चर बनी हुई है। ये देखिए कितनी खुली वादियां स्पीति घाटी की, कितने खुले मैदान,
हवाई जहाज उतारने हो, हेलीकॉप्टर उतारने हो, आप देखिए इस सौंदर्य का कोई टूरिज्म का किसी ने जुगाड़ नहीं किया। मैंने यहाँ कभी कोई चॉपर्स, वैसे तो भगवान ने अच्छा किया नहीं आए, क्योंकि शायद गड़बड़ हो जाती, ये सौंदर्य मिट जाता, सौंदर्य दोबारा नहीं आता ना। तो इसलिए सौंदर्य जो जहाँ है उसको बचा के रखें, टूरिस्ट को थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन के साथ, भैया पैदल जाइए और अपना पूरा कचरा साथ लेके आना, वहाँ फेंक के नहीं आना, ये कुछ चेक होना चाहिए जरूरी। ये हमें आज भी कर लें तो अच्छा है, क्योंकि टूरिज्म बढ़ रहा है। यूट्यूब पे आप देखिए कितने सारे वो वीडियोस लगते हैं, लोग हेलमेट पे कैमरा लगा के आगे पीछे पता नहीं कहाँ कहाँ कैमरा लगा के वीडियो बनाते हैं, ऐसे ऐसे एरिया में बनाते हैं जहाँ पे मैंने तंबू लगाए हुए हैं, तो मुझे वो देख के बड़ा दिल मचलता है कि अरे अब क्या करें, नीज रिप्लेस हो चुके हैं, उम्र 72 की है। ये जो लेयर है, ये इस फोटो में मैं आपको भी तस्वीर में भी दिखाऊंगा, ये वो एक कॉन्टेक्ट है जहाँ पे परमियन और ट्रायसिक की एक बाउंड्री है। परमियन के एंड पे एक एक्सटिंक्शन इतनी बड़ी हुई थी जिसको बोलते हैं मदर ऑफ ऑल एक्सटिंक्शन, लाइफ नियरली डिसअपीयर्ड फ्रॉम द प्लैनेट। ये वो है, ये वाला, ये है वो। इसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए पंजाब यूनिवर्सिटी की और रॉचेस्टर यूनिवर्सिटी की एक ज्वाइंट एक्सपेडिशन गई थी, इंडो यूएस कमीशन ने फंड किया था, मैं उसका प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर था और रॉचेस्टर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर आशीष बासु उसके इन्वेस्टिगेटर थे। हमारे 5 स्टूडेंट साथ गए थे, हमने अपने हमारे गुरुजी को डॉक्टर ओएन भार्गव जो रिटायर्ड हैं जीएसआई से, उनको लिया था, उनको हमने लीडर डिजिग्नेट किया था इसका, उनकी बहुत इज्जत है और उसी कारण हमें वो प्रोजेक्ट मिला था। और इस पे ही वो पब्लिकेशन है जिसपे वो द टेलीग्राफ फ्रंट पेज दैट न्यूज़, फ्रंट पेज की 8 कॉलम की खबर है वो, दी मास एक्सटिंक्शन वाली, जो मदर ऑफ ऑल एक्सटिंक्शन। सांगला कितना मशहूर है, आपने नाम सुना होगा, ये घूमते घूमते जिसको बोलते ना जियोलॉजिस्ट बहुत दूर दूर तक जाता है, जियोलॉजिस्ट पुराने भूचालों की रिसर्च करता है, मैंने करी है। ये देखिए कुछ आपको, ये जब पुराना भूचाल आया तो इस लेयर में हलचल हुई और ये एविडेंस यहाँ मिला, इसको हम बोलते हैं पेलियोसाइस्माइट्स। अब इसके ऊपर ज़्यादा नहीं बोलूँगा, क्यों नहीं, तो ये क्वार्टनरी जिसको बोलते हैं अर्ली मैन के टाइम के ये लेयर्स हैं, और ऐसा लगता है जो खुली किताब है जैसे कुदरत की, सच में हर पन्ना धरती के इतिहास का पन्ना है। ये डंकर गुम्पा एक बहुत मशहूर जगह है, डंकर गुम्पा देखिए टॉप में ये गुम्पा बनाया है बुद्धिस्ट टेम्पल, और हम अब निकले हिमालय से बाहर क्योंकि हमें अंडमान जाना है, रिपीट हो गई है पिक्चर लगती। ये वो हैं सालिग्राम एमोनाइट्स, जिस वक्त धरती पे डायनासोर्स डोमिनेंट थे, मैरीन लाइफ में दीज एमोनाइट्स वर डोमिनेंट। ज़्यादा चर्चा डायनासोर्स का होता है, एमोनाइट्स का नहीं होता है, बट एमोनाइट्स वर वेरी डोमिनेंट। एंड जितना ऑयल है अपना इधर में अरेबिया ऑयल, ये पीरियड था डायनासोर्स का, ग्लोबल वार्मिंग का पीरियड था, और उस पर मैं बोलूँगा नहीं, मैं कभी क्लाइमेट चेंज पे अलग से बोलने वाला हूँ। क्लाइमेट चेंज इज मैन मेड, हर रोज लोग बोलते हैं, इस पर कुछ बात करेंगे। क्लाइमेट चेंज इज मैन मेड और नेचुरल और बोथ, व्हाट आर द मिथ्स, व्हाट आर द ट्रूथ्स, इस पर हम चर्चा करेंगे, बाद में करेंगे, आज मैं कुछ बोलूँगा नहीं, पता लग जाएगा नहीं तो लोगों को मैं क्या सोचता हूँ। तो स्पीति घाटी का दृश्य और रीफ, हम अरे ये कुछ डबल हो गई, सॉरी, ये मसूरी। लैंडस्लाइड से बड़ा फायदा होता है जियोलॉजिस्टों को, एक बढ़िया उम्दा ट्रेस फॉसिल निकल आया। मैं बच्चों का टूर लेके गया हुआ था और बच्चे देख रहे क्या हो गया, इतना सारा पानी मंगवाया गाँव से, बाल्टियों से झाड़ू लाए और उसकी धुलाई करी, फिर फोटोग्राफी करी, फिर दोबारा गया और इसका हमने कास्ट बनाई वगैरह वगैरह। ये मेरा एक स्टूडेंट है संदीप सिंह वालिया, उसके पीएचडी थीसिस में ये लगी थी। तो ये ट्रेस फॉसिल बोलते हैं इसको, जो ट्रेसेस ऑफ एनिमल्स की ग्रेजिंग, उनकी एक्सक्रीटा की और चलने की जो जो क्रिया होती है, उसके जो जीवाश्म मिलते हैं, उसकी जो इंडिकेशन मिलती है, इनको हम ट्रेस फॉसिल बोलते हैं। ये मसूरी तेहरी रोड पे
बहुत बढ़िया प्रिजर्वेशन है ये, सम इग्नाइटिस बोलते हैं इसको। ये भी एक ब्यूटी है हमारे देश की, हमारे लैंडस्केप की, कि पेड़ों से इतना प्रेम के पेड़ों से लिपट गए, इतिहास रच दिया। क्या भावना थी कि कुछ गरीब बेसहारा लोगों ने संदेश दे दिया, देश को संदेश दे दिया। पर आज भी जरूरत है इस संदेश की। दिल्ली में किया था बच्चों ने, लिपट गए थे पेड़ों से, और ठीक है डेवलपमेंट के लिए पेड़ काटने भी जरूरी हो सकते हैं, बट पेड़ों को ट्रांसप्लांट करना भी इतना आसान नहीं, पर पॉसिबिलिटी होती है। तो उसका एक ही जरिया है कि पेड़ लगाते रहिए, लगाते रहिए, लगाते रहिए, ताकि जब काटने पड़े तो, क्योंकि अगर एक बुजुर्ग घर का जाना है तो उसका सब्स्टिट्यूट एक बच्चा नहीं हो सकता, उसका सब्स्टिट्यूट एक बड़ा ग्रोन अप बॉय हो सकता है, पर बच्चा नहीं हो सकता। तो ये कह देना हमने जितने काटे थे उससे कई गुना लगा दिया, सर्वाइवल रेट बड़ा पुअर होता है, तो वो फरेब हमें नहीं करना चाहिए। पेड़ों की हमें इज्जत करनी चाहिए, पेड़ ही हमारे बुजुर्ग हैं लैंडस्केप। ये एक एक सौंदर्य, एक प्रिस्टिन ब्यूटी ऑफ द वर्ल्ड, यहाँ पे जैसा था तकरीबन वैसा ही है। ये एक जगह है जहाँ जाके आप अपना शिट भी छोड़ के नहीं आ सकते, आए तो जुर्माना लगेगा। कोई किसी के कैंप में जाके इन्वेस्टिगेट कर सकता है, रिपोर्ट दे सकता है और खटिया खड़ी कर सकता है उस देश के साइंटिफिक टीम की, जिसने वहाँ पे एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन किया हो, एनवायरमेंटल एथिक्स को वायलेट किया हो। सो ये वाली पिक्चर तो अवेलेबल थी, क्योंकि ये सैटेलाइट इमेजरी से, मोजैक से अवेलेबल थी इंटरनेशनली, तो मैंने ये जियो टाइम से ली थी। ये रहा ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट बैरियर रीफ। एक इंटरनेशनल पैलियोलॉजिकल कांग्रेस में मैं 2002 में सिडनी गया था, मैक्वारी यूनिवर्सिटी, और वहाँ से हम फील्ड वर्क के लिए गए थे ये क्वींसलैंड यूनिवर्सिटी के स्टेशन पे ऑन दी हिरोन आइलैंड। 2 घंटे की फेरी की जर्नी थी, और वहाँ से हिरोन आइलैंड से हम इस स्टेशन पे पहुँचे थे, और यहाँ पे मैं 10 दिन रहा था। और इसमें चलने के लिए आपको लो टाइड के टाइम भी जाना है, क्योंकि अगर हाई टाइड पे गए तो फंस जाएंगे। अब मेरा वक्त हो गया है इसको ख़त्म करने का फटाफट, तो ये मैंने एक ही तस्वीर लगाई थी अभी, क्योंकि ये अफ्रीका, ये बड़ा महाद्वीप, इसका जगह जगह पे मोर नाचता है। जब मोर नाचता है बड़े बड़े बुजुर्ग नाचने लगते हैं। हमारी सिस्टर लॉ हैं ब्रिजबाला, शी वॉज इवन देन, शी इज नाउ 80+, शी वॉज 78, शी डांस्ड द पीकॉक्स, एंड दैट्स द ग्रेट स्पिरिट, दिस ग्रेट अवर दिस पीकॉक इज अवर नेशनल बर्ड। तो ये रहा वो इंटरटाइडल जोन, जहाँ पे ये ईसा करके ये लड़का है हु सपोर्टेड मी, बिकॉज वो 4 किलोमीटर का नीचे जाना था, 4 किलोमीटर किसी का भी दम नहीं पड़ता कि सी गया है तो मैं चलाऊँ, डर लगता है कि वापस ना फटाफट आ जाए तो मैं कहाँ भागूंगा। तो इसने मुझे बोला कि अभी तो नीचे जा रहा है, आप क्यों डर रहे हो? तो ही बार्गेन्ड विद मी के 500 शिलिंग लूंगा। मैंने कहा नहीं यार, तू 250 ले ले। तो वो बोला कि यू इंडियंस आर लाइक कीनियंस, यू ऑल्सो बार्गेन ए लॉट, वी ऑल्सो बार्गेन ए लॉट, सो लेट अस सेटल फॉर 300 शिलिंग्स। तो फिर बोलता है वी आर सिमिलर, Only you are slightly less black than us. मैंने कहा हाँ भैया, and I told him hold my hand tight where I tell you to do it. Don't let me slip or sink into the mud. And इसको, इस बंदे को जितनी बायोलॉजी इस इंटरटाइडल जोन की पता है, किसी को, मेरे को नहीं पता थी, to be very honest. इंटरटाइडल जोन में मुझे फील्ड वर्क करने का ज़्यादा मौका नहीं मिला, ऑस्ट्रेलिया में मिला था, यहाँ पर मिला, हमारे देश में इतना बड़ा कोस्ट है, मुझे कभी फील्ड वर्क का वहाँ पर मौका नहीं मिला। ये देखिए इसने क्या क्या जंतु निकाल के, ये चुभ नहीं रहा है, सॉफ्ट वाले फ्लेक्सिबल ये हैं, ये जो थोनी स्ट्रक्चर्स हैं। हमारा कबीर बोला था ये पोर्क्यूपाइन लग रहा है, ये पोर्क्यूपाइन का कोई रिश्तेदार भी नहीं है। तो ये सी बॉल्स हैं जो ये तरह तरह की हैं, और ये जो पास में है, एक और दिखाता हूँ, ये जो है इसको हम जानते हैं सी कुकुम्बर बोलते हैं इसको,
हम पैलेंटोलॉजी में इसके हमें फॉसिल मिलते हैं, लॉन्ग रेंजिंग है ये, तो इसका मैं नाम भूल रहा हूँ, मैं इसको बाद में इंडिकेट कर दूंगा कमेंट्स में। सो दैट्स द ब्यूटी ऑफ द लैंडस्केप, सी दीज ब्यूटीज ऑफ स्पिति डांसिंग, एंड दिस ऑल्सो वॉज अ पार्ट ऑफ आवर फील्ड वर्क। उसमें कुछ हमारे गेस्ट थे ऑस्ट्रिया से और जर्मनी से, वहाँ पे एक फंक्शन था उनका, तो उन्होंने उनको गेस्ट बुलाया था। मैं स्पिति घाटी में उस वक्त गया था फील्ड वर्क के लिए, आई गॉन टू असिस्ट माई गुरु जी डॉक्टर भार्गव। आई रिमेम्बर ही आस्क्ड मी टू कम विद हिम एंड आई लेफ्ट एट 15 मिनट्स नोटिस फॉर मनाली विद द आइडिया ऑफ रिटर्निंग, एंड देयर ऑल्सो देयर वाज सम इशू। He said, no, you come over to Spiti with me. And I went on. And we returned after 15 days. That's a geologist. A geologist can go to Spiti Ghati for at 15 minutes notice for 15 days. So over to you, Arun. I'm done. Ho gaya. ठीक है, इसको मैं बंद कर दूं ना? आधे मिनट का ब्रेक ले रहा हूँ, आई एम जस्ट लिसनिंग टू यू, आई एम जस्ट कमिंग, पानी ले रहा हूँ। कैसे होगी स्टॉप यार वो? ये स्टॉप शेयरिंग हो गई। वो मेरे मेरे लैपटॉप पे भी आ जाएगी वो जो तुम प्रेजेंट कर रहे हो? ओके ओके, ठीक है।
अरुण मैं नहीं देख पा रहा हूँ तुम्हें, मेरे को कुछ दिख नहीं रहा यार। नहीं आई कैन सी, आई कैन सी नाउ, सॉरी मुझे वो प्रेजेंटेशन में दिख रही है। या अरुण मैं वो तुम्हें जो तुमने कहा ना पहाड़ बैरन है, वो हाइट के कारण बैरन है। जो 11,000 के ऊपर में तो कुछ घास नहीं है ना, वो जो वैली थी वैली 14,000 फीट की है, तो वैली में बड़े मुश्किल से कुछ उगा लिया, तो स्लोप तो बिल्कुल बैरन है। इनफैक्ट जियोलॉजिस्ट के लिए वो एक बड़ी भारी नेमत है कि सब कुछ साफ दिख रहा है। मैं तो छोटी सी बात कहूंगा कि प्रोफेसर साहब का ये टॉक सुन के मुझे एक बात का ध्यान आया कि जो अच्छा स्पीकर है वो अपने ऑडियंस को अपने लेवल तक और कई बार उससे भी ज्यादा ऊपर ले जाता है। इस टॉक में इन्होंने जो हमें वेरियस बातें बताई और वेरियस फोटोग्राफ शो किए, मैं तो गुम नहीं हो गया।
he took us to another level. He took us to a level which was maybe even beyond his own level. और ये उनकी बड़ी ही कलाकारी है, बहुत ही, और कितनी सिंपली इन्होंने सब कुछ बताया, जो कि हाईली टेक्निकल सब्जेक्ट है बहुत, और खुद बहुत टेक्निकल आदमी है, और लोग सारे कहते हैं कि भाई जार्गन मत यूज करो, बट ही इज यूनिक, वन ऑफ द फ्यू हु ब्रिंग्स हिमसेल्फ डाउन टू द लेवल ऑफ अ लेमैन, एंड देन ही पिक्स यू अप, हग्स यू, पिक्स यू अप एंड टेक्स यू इवन हायर, जैसे आप बच्चे को अपने से ऊपर उछालते हैं, ये हमको अपने से ऊपर उछाला है। बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा। मैं एक मिनट अरुण, वो जो वहां पे जितनी प्लांटेशन हुई ना किन्नौर में, स्पीति में, वो तकरीबन मर जाती थी, अब बहुत कोशिश करने के बाद में कुछ हो गई। तो जब हम पहले वहां तंबू लगाते थे तो ड्रिजल होती थी, जो उनकी छतें हैं वो फ्लैट हैं, वो पहाड़ की तरह ऐसे नहीं है, तो वो ड्रिजल के लिए ऊपर में सामान पड़ा है, सब कुछ चलता था। उसके काफी देर बाद मैं वहां दोबारा गया किसी इंटरनेशनल एक्सपीडिशन में, तो मेरे तंबू में इतना पानी बरस गया कि मेरे कपड़े और सारा स्लीपिंग बैग गीला हो गया, एंड आई हैड नथिंग टू कवर मायसेल्फ। यार क्या हो गया यहाँ की इकोलॉजी को? सो इट कॉजेस हैवी रेन्स आने लग गई हैं, फ्लैश फ्लड आने लग गया किन्नौर में, जहाँ पे ड्रिजल होती थी। तो वो भी एक है कि टोटल सेटअप बदलेगा। दे वर यूज्ड टू दैट, दे सेड वी आर बेटर ऑफ विद इट, दे वॉन्टेड मोर स्नोफॉल रादर देन मोर रेन। उन्होंने अपना हिसाब किताब स्नो के साथ जोड़ रखा था।
जो किन्नौर में लैंडस्लाइड हुआ था ना अरुण, दैट वाज ट्रिगर्ड बाय हैवी रेन। किन्नौर में अदरवाइज हैवी रेन की बात ही नहीं थी। जिस जगह पे लैंडस्लाइड हुआ, नीचे नाला में फ्लैश फ्लड आया है और उधर से वो गिर रहा है और लोग मर गए इतने सारे, और इतना पंगा हो गया, रोड भी ब्लॉक हो गई। दैट वॉज नॉट हैपनिंग नॉर्मली। लैंडस्लाइड होते हैं वहां पे, बट नॉट ड्यू टू हैवी रेन। बिल्कुल सर, मुझे तो लगता है कि ये सेशन बहुत जल्दी खत्म हो गया, बिकॉज आई थिंक कुछ मटेरियल सर के पास थोड़ा थी जो शेयर करना चाहते थे, शायद ड्यू टू द लैक ऑफ टाइम वो कर नहीं पाए। एंड मैं तो अंडमान निकोबार पहुंच गया था, लाहौर स्पीति क्योंकि हम विजिट करते रहते हैं, तो मुझे लगा मैं अंडमान निकोबार भी विजिट कर चुका हूँ मैं, बट मुझे लगा जब नेक्स्ट टाइम मुझे जाने का मौका मिलेगा जरूर विजिट करूंगा। एंड जो लोकल इम्पैक्ट की बात कर रहे हैं, मैंने देखा है कि स्कूल में मैं पिछले 4-5 सालों से मुझे मौका मिल रहा है कि मैं स्कूल में विजिट कर रहा हूँ। एंड क्योंकि मेरा भी शौक थोड़ा पंछियों की तरफ था, बर्ड्स के रिगार्डिंग, तो बच्चे फोटोग्राफ्स देखते हैं, पूछते हैं, और मैं उनसे पूछता था बेटा आपके लोकल आसपास कौन से बर्ड्स मिल रहे हैं। तो अभी 4 साल के बाद उन स्कूलों में जो हरिपुर बरदार वो जो बेल्ट है उनके बच्चे हैं, उनको अपने लोकल बर्ड्स के बारे में मालूम है और वो केयर भी करते हैं, हमें चाहिए, उन्हें बुशेस चाहिए, उन्हें कौन सा हैबिटेट चाहिए उनको मालूम है, दे आर अवेयर नाउ। जब कोई भी इंसान अपने आप को एज ए टूरिस्ट कहीं पे लेके जाता है तो मैंने देखा कि वो एनवायरनमेंट को नुकसान ही पहुंचाता है। वो अगर अपने आप को उस जगह का बाशिंदा समझ के, वहां का लोकल आदमी समझ के जाएगा, वो कभी उस पार्क को, उस हैबिटेट को खराब नहीं करता। वो मैंने देखा कि जो पोल्यूशन होता है या लिफाफे फेंकाते हैं, कागज फेंकाते हैं, वो टूरिस्ट ही होते हैं, लेकिन लोकल आदमी इस तरह कभी नहीं करते। भी उन्हें मालूम है कि उन्हें रोज आना है, उन्हीं का घर है, उन्हीं की जगह है, तो वो जैसे अपने घर के डायनासोर खराब हो गए, वो बच्चे जरूर बाहर से आएंगे जो शायद दोबारा नहीं आएंगे। नहीं नहीं, बच्चों ने नहीं किए, वो बच्चे वो जो उधर रहते हैं, इकोनॉमिकली वीक बच्चे हैं, मैंने उनको देखा है, वो बच्चे हैं जो फुटबॉल की ट्रेनिंग लेते हैं किसी कोच से, पढ़ने वाले बच्चे हैं, पास में 2-3 स्कूल हैं, वो गरीबों पे तो हमेशा कह देते साहब इन्होंने किया होगा, ऐसा कुछ नहीं है। वो इतना गंदा मटेरियल लगा है उसके अंदर कि रहता ही रहता है, मतलब एक स्ट्रक्चर 4 साल में टूट गई चंडीगढ़ में, 4 साल में टूट गई उस इतने इंपॉर्टेंट पार्क में, तो बच्चों का कोई दोष नहीं है प्लीज, क्योंकि सरकार ने ये बोलना है अरे यार ये बदमाश लोग हैं, गरीब लोग हैं, ऐसे ही करते हैं, तो गरीबों के मत्थे ना फोड़ दे इस बात को, ये कोई बहुत ईमानदार इंजीनियर है जिन्होंने सीमेंट बहुत ज्यादा लगा दिया है। That's all. अपने मैं 4 साल से कह रहा हूं कि टूट गई टूट गई टूट गई, कुछ सुनता ही नहीं, किसी ने सुना नहीं। अब जरूर है, ये जो अरुण ने तरीका बताया ना मेरे को, ये YouTube वाला, ये इसी का जिम्मा है, मेरा नहीं है। ये मैंने
क्रिटिसाइज करें, प्लीज क्रिटिसाइज करें और कुछ शेयर कर दें। मुझे सब्सक्राइब का भी कुछ लेना देना नहीं है। अगर लोग देखते नहीं है तो मेरे लिए सब्सक्रिप्शन इज मीनिंगलेस। मेरे को खोखली सब्सक्रिप्शन नहीं चाहिए, मुझे उसमें शेयरिंग चाहिए मुझे सिर्फ।